स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, विटामिन डी की प्रोडक्शन में मदद करता है, जर्म इन्फेक्शन और हार्मफुल रेडिएशन से भी हमें बचाता है। लेकिन जब हम रेगुलरली बाहर का जंक फूड खाते हैं तो लीवर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। जब टॉक्सिन्स काफी ज्यादा हो जाते हैं तो लीवर में से निकलकर ब्लड में चले जाते हैं, इससे ब्लड इम्प्योर हो जाता है। इन्हीं टॉक्सिन से भरे गंदे ब्लड से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोसेस फूड, डीप फ्राइड फूड, रिफाइंड चीनी से बनी चीजें तो छोड़ो, इनके अलावा कुछ हेल्दी दिखने वाली चीजें भी खून को गंदा कर स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती हैं। ऐसी चीजों को जब हम रेगुलर डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो पिंपल्स, रैशेस, पिगमेंटेशन, एक्जिमा, सोराइसिस और खुजली जैसी दिक्कतें परेशान करने लगती हैं। तो जानते हैं 5 ऐसे फूड्स के बारे में जिनको आपको स्किन प्रॉब्लम्स में अवॉइड करना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि इन 5ों की जगह क्या हो सकते हैं हेल्दी अल्टरनेटिव। तो पहली चीज है गर्म तासीर के फूड। हमारे खाने में डेली में यूज होने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, गरम मसाला और अचार न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन क्रिया में भी मदद करते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं तो यही लाल मिर्च, गरम मसाले और अचार आपकी स्किन की तबीयत खराब कर सकते हैं। जब हम ज्यादा नमक और मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में काफी हीट प्रोड्यूस होती है, बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बनने लगता है, जिससे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। मसाले भारतीय खाने की जान है, लेकिन फिर वही बात, स्किन प्रॉब्लम्स में आपको मसालों को थोड़ा देखकर प्रयोग करना चाहिए। गर्म तासीर के मसालों को कम इस्तेमाल कर ठंडी तासीर के मसाले ज्यादा खाने चाहिए। लाल मिर्च पाउडर, लौंग, अमचूर, इलायची ये काफी गर्म होते हैं, इसलिए लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करें, सूखी लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। नींबू का अचार आम और मिर्च के अचार से बेहतर है। बादाम, काजू और अखरोट न सिर्फ हेल्दी फैट्स का भंडार है बल्कि स्किन को ल्यूब्रिकेंट करने में मदद करते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स को अगर आप बिना भिगोए खाएंगे तो ये गर्मी कर जाते हैं, इसलिए सही तरीका यही है कि आप बादाम, काजू और अखरोट को पानी में भिगोकर छिलका उतार कर ही खाएं, और एक बार में 4 से 5 बादाम काफी होते हैं, मुट्ठी भर के ना खाएं, ये दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बार बार ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पीते हैं उनकी बॉडी अंदर से ड्राई होने लगती है, कोलेजन की प्रोडक्शन भी कम होने लगती है जिससे स्किन मुरझाने लगती है, इसलिए चाय कॉफी कम करें, पीनी हो तो दूध डालकर ही सेवन करें ताकि ड्राइनेस ना हो। फिर फ्रिज का बहुत ठंडा पानी भी भले पीने में अच्छा लगे लेकिन अंदर जाकर एक तो पेट में गर्मी और ड्राइनेस बढ़ाता है, तो गर्मी में मटके का पानी बेस्ट है। इन छोटी छोटी चीजों से आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और टेस्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज है चिपचिपी सब्जियां। कुछ सब्जियां अंदर से थोड़ी चिपचिपी होती हैं जैसे बैंगन, भिंडी, कटहल, अरबी, कचालू। वैसे तो ये सारी सब्जियां बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं और मसल मास बढ़ाने में भी मदद करती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या स्किन प्रॉब्लम रहती है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें अवॉइड करें। आयुर्वेद की संहिताओं में बैंगन के लिए तो खास कहा गया है कि इसको अगर एक ही बार खा लिया जाए तो स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस तरह की चिपचिपी सब्जियां अगर आप ज्यादा खाएंगे तो खुजली या स्किन पर मार्क्स होना, रैशेज होना, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। काफी बार हम एक्जिमा, सोराइसिस में दवाइयां तक ले रहे होते हैं लेकिन इन सब्जियों को खाने से दवाई का असर नहीं आता, इसलिए स्किन को हील करने के लिए इन सब्जियों को अवॉइड ही करें। बाकी आप हरी शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, करेला और परवल खा सकते हैं, ये फायदा करेंगे क्योंकि इनमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तीसरी चीज है खट्टे फूड। खट्टी चीजें भूख बढ़ाती हैं और सेंसेस को भी तेज करती हैं। ये भी एक कारण है कि क्यों गर्म पानी में नींबू का रस घोलकर सुबह पीना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा खट्टी चीजें खाएंगे जैसे इमली तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पहले से स्किन प्रॉब्लम होती रहती है तो आपको इमली, चटनी वाली चीजें जैसे गोलगप्पे, टिक्की, चाट पापड़ी, दही भल्ला कुछ दिन के लिए तो अवॉइड कर देना चाहिए। धनिया, पुदीने की चटनी आपके लिए बेहतर है। अगर आपकी कच्चे आम को खाने की काफी आदत है तो उस पर भी रोक लगाएं। आयुर्वेद के अनुसार ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बढ़ाता है जिसका नुकसान स्किन को उठाना पड़ता है। दही यूं तो सुपर फूड है लेकिन अगर फ्रेश ना हो, खट्टी हो गई हो तब तो स्किन प्रॉब्लम में बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। खट्टी दही, लस्सी से बनी कड़ी खाना भी आपको नुकसान कर सकता है तो अवॉइड करें। बाकी अगर आप खट्टा खाना चाहते हैं तो नींबू और आंवला खा सकते हैं, ये दोनों ही बॉडी की सफाई करने में मदद करते हैं जिससे स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है। टमाटर भी खा सकते हैं। अगली है दूध के साथ नमकीन चीज। अगर आप दूध या चाय के साथ नमकीन खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ परांठा खाते हैं या खाना खाने के बाद दूध पीते हैं तो आप खुद स्किन प्रॉब्लम को निमंत्रण दे रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार दूध का नमक के साथ कॉम्बिनेशन ब्लड को बड़ी तेजी से गंदा करता है जिसका रिजल्ट होता है स्किन प्रॉब्लम्स, खारिश होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, पिगमेंटेशन होना, पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स का लौट कर आना, ये सब इस गलती की वजह से हो सकता है। एक बात ध्यान रखें कि पनीर के साथ नमक खा सकते हैं, दही में भी कभी नमक डालकर खा सकते हैं, छाछ और मक्खन के साथ भी नमक ले सकते हैं, लेकिन दूध, मलाई और क्रीम के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। इसलिए अगर आप परांठे के साथ मलाई लेते थे तो उसकी जगह मक्खन ले लें। सब्जियों में अगर आप क्रीम डालते थे तो उसकी जगह काजू का पेस्ट या कोई और प्लांट बेस्ड मिल्क डाल दें। इससे टेस्ट में
मिलेगा और स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगली चीज जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में अवॉइड करना है वो है रिफाइंड फूड। स्किन प्रॉब्लम्स होने का मतलब ही यह है कि बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट नहीं कर पा रही है। जैसे हम घर में कचरा निकालने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह शरीर को अंदर से साफ करने के लिए भी झाड़ू की जरूरत होती है, और ये झाड़ू है डाइट्री फाइबर। अगर आप मैदे से बनी चीजें जैसे ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, पास्ता, पेस्ट्री, भटूरे, कुलचे आदि खाएंगे तो बॉडी को फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर नहीं मिलेगा तो झाड़ू नहीं चल पाएगी। मैदे से बनी चीजें आंतों में जाकर चिपकती हैं और कब्ज करती हैं। जब कब्ज होगी तो टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाएंगे जो स्किन प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए छिलके के साथ ही आटा मिलाकर अपनी डाइट में शामिल करें। ओट्स खाएं, व्हाइट राइस की जगह हैंड पाउंडेड राइस का इस्तेमाल करें। दालों में भी ज्यादातर छिलके वाली दालें खाएं, जैसे पीली मूंग की जगह हरी मूंग। फ्रेश सीजनल फ्रूट में भी भरपूर फाइबर होता है। आप जितना फाइबर खाएंगे उतनी जल्दी ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 फूड जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में अवॉइड करने चाहिए। गर्म तासीर की चीजों को हटाकर ठंडी चीजें ज्यादा खाएं। आजकल सीजन में जो भी सब्जी और फ्रूट आ रहा है इसे खाएं, इससे भरपूर फाइबर मिलेगा जिससे शरीर अंदर से साफ होगा। खाने के ऊपर कच्चा 1 चम्मच देसी गाय का घी डालें। खाना बनाने के लिए कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाएं, इससे स्किन अंदर से लुब्रिकेंट रहेगी। विटामिन सी से भरपूर शिमला मिर्च, नींबू, अमरूद और आंवला स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप सिर्फ अपनी डाइट पर फोकस कर लें तो आयुर्वेद का ये विश्वास है कि स्किन प्रॉब्लम्स नेचुरली ही ठीक होने लगेंगी। यही नहीं, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो तक आएगा। थैंक यू।